आज दिनांक 19 मार्च 2023 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी पश्चिमी बंगाल डॉक्टर जमाल हसन के आवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों की भीड़ लगी थी। सभी लोगों ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दिया। काफी संख्याओं में पुरुष और महिलाएं मौजूद थी। सभी का मुबारकबाद लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने यह बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है और उनके इस यकीन पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। जिस तरह से इमरान प्रताप गढ़ी जी सड़क से लेकर संसद तक आमजन की लड़ाई लड़ रहे हैं वह काबिले तारीफ है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे ताकि वह गरीब मजलूमों की आवाज बनकर संसद में लड़ाई लड़ते रहे। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं जो कांग्रेस पार्टी में काम करती आ रही है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी खुदा की मेहरबानी और सभी की दुआओं से मिली है और पश्चिम बंगाल के प्रभारी होने के नाते वहां के हर गली मोहल्ले हर गांव तक मैं जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 2024 में कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीते उसमें अपना योगदान भी दूंगा। वैसे भी अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मान हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज जितनी भी पार्टियां हैं इनके वोट को लेकर लुभावने सपने दिखाकर ठगने का काम करती है। मुबारकबाद देने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन, पवन कुमार चौधरी, वार्ड 20 पार्षद नुसरत परवीन, राजू श्रीवास्तव, नूरुल खुदा, मोहम्मद तमन्ना, हसीब खान, फिरोजा खातून, रू अफजा परवीन, बाबर अली, मोहम्मद सिकंदर, बरसाती खान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद नूर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी के द्वारा मुझे अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है, जिसको लेकर हमारे इलाके के जितने लोगों को इस बारे में जानकारी हुई वो सब आज हमारे जो है ये स्वागत के लिए उन लोगों मौजूद थे और मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों की दुआओं की वजह से इतनी बड़ी जगह मुझे मिली है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद मैं जो है राहुल गांधी जी का जो हम लोग सभी के नेता हैं, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे बड़े भाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशनल चेयरमैन राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी का, जिन्होंने मुझ पर यकीन कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और उस पर हम काम करना है पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए। देखिए कांग्रेस अभी जमाल भाई जी बिल्कुल हमारा बस यही कहना है, देखिए कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और कांग्रेस ने इस देश के लिए सब कुछ किया और अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले 40-45 साल से कांग्रेस की सरकार वहां नहीं है तो मैंने अपना ये माइंड सेट करके बैठे हैं कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, बस अर्थ उनके पास बड़े नेता पहुंचे नहीं है। तो मेरी पहली कोशिश यही रही कि वैसे लोगों से मैं मिलूं, चाहे मुझे उसके लिए रोड पर उतरना पड़े, गाँव में जाना पड़े, गलियों में जाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ और जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर 100% नहीं 200% मैं अपना काम करूंगा और मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी ने जो मुझ पर यकीन कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का देश बहुत अल्पसंख्यक और ब्राह्मण थे, कांग्रेस को सबसे पहले अल्पसंख्यक ने छोड़ा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि मुसलमान कांग्रेस से ज्यादा जुड़े? देखिए सबसे बड़ी बात है आप अभी पिछले लगातार हमको लगता है कि 2-4 सालों में अगर गौर करेंगे जिस तरह से देश के माहौल बने हैं खासकर 2014 के बाद उस पर कांग्रेस ही एक सिंगल वाहिद पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। वोट लेने को तो सभी पार्टी जाते हैं लेकिन उनके जब मुद्दे होते हैं, अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं नासिर और जुनैद का मामला जो हुआ हरियाणा में, जिस तरह से उसको जलाया गया राजस्थान के इस मामले में, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब कांग्रेस खुलकर उसका विरोध जाहिर की। उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी जी उस परिवार से मिलने भी गए, उसके बाद उनके मिलने के बाद देखे कि आज राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत ने उस परिवार को जो है मदद दिया, सरकारी नौकरी तक जो है उस परिवार को मिलने जा रही है। तो कांग्रेस हर तरीके से मौजूद है, बस हमको कांग्रेस के वक्त में जब सभी लोगों को देखिए हम झूठा और खोखला नारा बात को हम एडमिट करते हैं कि हमारे पद क्या थे 2012 के बाद हम कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ा हमने, ये नहीं है कि हमको हटाया गया, हम खुद छोड़ा, जाकर हमने दिल्ली में इसके लिए लॉबी किया, बड़े नेताओं से मिले, शकील अहमद वगैरह से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले कि हमको अब फ्री किया जाए। 12 साल का ये एक लंबा अरसा है हमने कांग्रेस चलाया है तो वो हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है, इस बात को हम एडमिट करते हैं। और जो हमारी टीम के लोग थे वो सारे के सारे कहते हैं वो पीछे पड़ गए, उससे कोई काम नहीं लिया जाता है, एक 5-7 आदमी की एक
चोकड़ी है उसी चोकड़ी से कहते हैं लोग जो 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 डन पॉलिटिक्स जो आपको कहा जाए कि एक्सपीरियंस भी नहीं उनके पास है कांग्रेस संगठन चलाने का, वैसे लोगों को बना करके कहते हैं लोगों ने जो से रखा है, और जो जो पुराने लोग थे वो लोग सब के सब किनारे हो गए हैं। तो आज हम इस बात की का अफसोस हमको है कि हमने जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया था, जिस तरीके से मैं अकेले ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, एक बड़ा सा कारवां बनाया हमने, एक बड़ी सी टीम बनाया हमने, आज वो टीम नहीं है, इसलिए लोग अब धरना पर बैठे थे कि साहब इसको अध्यक्ष पद से। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर, ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन, स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए, पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट होटल फूड राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन बाय बस जियारत जमसम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज पैन कार्ड, एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 846004, हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।